आज मैं आपके साथ गोंद कतीरे की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही इजी है और उसके फायदे इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने गोंद कतीरा लिया है। एक तो गोंद होती है और एक ये गोंद कतीरा होता है। गोंद को तो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं और ये गोंद कतीरा होता है ये पानी में भिगोकर यूज़ किया जाता है। ये गर्मियों में यूज़ करते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है और मार्केट में आसानी से ये मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने एक कुल्हड़ लिया है और उसमें हम 1 से 2 चम्मच जितना आप चाहें भिगोकर इसको रात भर पानी में रख देंगे और ये देखिए अपने जितना हम भिगोएंगे ना उससे 4 गुना तक फूल जाएगा। और यहाँ पर 1 चम्मच मैं खसखस ले रही हूँ और 7 से 8 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, 2 छोटी इलायची ली हैं, इनको मैं अभी बिना छिले ही यूज़ करूँगी। और साथ ही थोड़े से यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इनको भी हम भिगो देंगे। इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। रात भर के लिए हमने इसको धोकर अच्छी तरह भिगो दिया था। ये देखिए कितना सुंदर हमारा गोंद कतीरा लग रहा है, बिल्कुल बर्फ़ के गोले की तरह लग रहा है ना। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता लेकिन इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और ये हमने खसखस और बादाम भी भिगो दिए थे, ये भी फूल गए हैं अच्छे से। और ये देखिए छोटी इलायची जो है ये भी पूरी तरह फूल गई है और बाद में हम इसके सीड्स अलग कर लेंगे। और इस तरह साबुत भिगोने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब सबसे पहले हम इसको छान लेंगे एक छन्नी में और ये इलायची जो है इसके सीड्स अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो पहले भी अलग करके डाल सकते हैं लेकिन मैं बाद में ही डालती हूँ। और ये बादाम है इसके भी हम छिलके उतार लेंगे। ये देखिए हमने उतार लिए हैं छिलके और इसका अब हम एक अच्छा सा ना फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, और अब इसमें हम यही थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इनको धोकर भिगोया था और इसका हमने एक अच्छा सा ये पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए ये बहुत ही ठंडा होता है गोंद कतीरा और खसखस, ये सब हमारे दिमाग के लिए बहुत ही एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं। और आज इसमें मैं ना मिश्री डाल रही हूँ, मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है। आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सारी ठंडी चीज़ें ही आज इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी हम समर्स के लिए बना रहे हैं। और ये रेसिपी जब आप खाएंगे ना तो अंदर तक बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाएगा। ये देखिए हमारा गाढ़ा सा दूध तैयार हो गया है और इसको अब हम एक मिट्टी के सकोरे में ही निकाल लेते हैं। देखिए मिट्टी के सकोरे में भिगोने का मतलब ये होता है कि एक तो ये इसकी तासीर ठंडी है और मिट्टी के बर्तन में भिगोने से ये और भी ठंडा हो जाता है। अब इसमें हमने ये जो गोंद कतीरा भिगोया था ना इसको हम डाल देंगे जो फुलाया था। देखिए इस तरह से गोंद कतीरे को यदि हम अलग तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी खा लेंगे क्योंकि गोंद कतीरे का अपना तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है। और इसकी एक अमेजिंग सी रेसिपी हम बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट इन्हेंस करके बनाएंगे तो सबको ये बहुत पसंद आएगी। और गर्मियों में यदि हफ्ते में 2-3 दिन बार भी खा लिया जाए ना तो बहुत सी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये कब्ज को दूर करती है। देखिए अब किस तरह से हम सर्व करेंगे ये भी देख लीजिए आप, जितना भी आपको छोटे बड़ों को देना है उसके हिसाब से आप मिट्टी के इसी तरह सकोरों में इसको डाल दीजिए। देखिए और साथ ही ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें पिस्ता भी डाल देते हैं गार्निश के लिए। ये हमने पिस्ता डाल दिया है और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ये गोंद कतीरा ना ऊपर गार्निश के लिए और लगा देते हैं ताकि देखने में बहुत ही सुंदर लगे। ये देखिए और इस तरीके से एक एक रोज़ पेटल भी इसके ऊपर लगा देते हैं क्योंकि जितना अच्छा हम इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे तो बच्चे खुशी से इसको आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और इसको और भी ज़्यादा अमेजिंग टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास रोज़ सिरप है, उससे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। तो ये देखिए गार्निश करने के बाद ये हमारा गोंद कतीरे की रेसिपी कितनी सुंदर लाजवाब लग रही है, देखते ही मन कर रहा है सुबह सुबह इसको ठंड